प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नसीहत के बाद भी बीजेपी नेता और राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी के तेवर नरम पड़ते हुए नजर नहीं आ रहे। अपने बयानों से केंद्र सरकार और बीजेपी दोनों के लिए मुसीबत खड़ी करने वाले स्वामी ने अब मोदी सरकार के अच्छे दिनों पर हमला किया है। सुब्रमण्यम स्वामी ने एक ट्वीट कर सरकार के GDP के आंकड़ों की हवा निकालने की कोशिश की है। उन्होंने जो ट्वीट किया है वो लिखा है कि अगर मैं इंडेक्स नंबर के सैमुअलसन स्वामी थ्योरी को देश की GDP की गणना या RBI की ब्याज दर पर लागू करूं तो मीडिया हल्ला मचाने लगेगी कि ये पार्टी विरोधी गतिविधि है। लेकिन हल्ला मच चुका है। सुब्रमण्यम स्वामी ने एक बार फिर से अपनी ही सरकार पर निशाना साधा है। तो GDP की गणना पर सवाल उठाया सुब्रमण्यम स्वामी ने, ट्वीट करके मोदी सरकार पर हमला बोला है। तो GDP के जो सरकारी दावे हैं उसको लेकर सवाल उठाए सुब्रमण्यम स्वामी ने। तो लोग ये उम्मीद कर रहे थे, खासतौर पर जो सरकार थी, केंद्र सरकार, वो उम्मीद कर रही थी कि प्रधानमंत्री के कहने पर हो सकता है कि सुब्रमण्यम स्वामी के तेवर थोड़े नरम पड़ जाए, लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा है। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे हमारे संवाददाता राघवेंद्र का। राघवेंद्र, इस पूरे मामले में सुब्रमण्यम स्वामी के जो तेवर हैं और उम्मीद कर रहे थे खासतौर पर सरकार के लोग कि शायद उनके तेवर अब नरम पड़े, लेकिन तेवर नरम पड़ने की बजाय और ज्यादा आक्रामक हो गए। देखिए, जब सुब्रमण्यम स्वामी राज्यसभा में लाए गए थे तो उससे पहले के उनके अगर कामकाज को देखें तो कहा जा रहा था कि शायद एक दबाव की राजनीति हो सकती है, लेकिन राज्यसभा में जिस तरह वो विपक्ष पर हमलावर थे, तब कांग्रेस का एक बयान आया था कि ऐसी तोप है जिसका मुंह आने वाले दिनों में सरकार और बीजेपी के तरफ ही होगा। और कहीं ना कहीं आप देखिए, रघुराम राजन के खिलाफ जिस तरह मोर्चा खोला और उसके बाद वित्त मंत्री, हालांकि मुख्य आर्थिक सलाहकार के खिलाफ जब मोर्चा खोला तो वित्त मंत्री को समर्थन में उतरना पड़ा। तो कहीं ना कहीं, चाहे वो ट्वीट हो सुब्रमण्यम स्वामी के या बयान हो, सरकार और बीजेपी के लिए पिछले दिनों देखा जाए तो एक मुसीबत का सबब बनते रहे हैं, परेशानी बढ़ाने वाले रहे हैं। और माना जा रहा था कि आने वाले दिनों में शायद इस तरह के तेवर नहीं होंगे, लेकिन एक बड़ा जो संकेत उसमें यह भी छुपा है कि जो सूत्रों से खबर मिल रही है कि 4 जुलाई को केंद्रीय कैबिनेट में फेरबदल की संभावना है, फेरबदल किया जा सकता है, तो क्या सुब्रमण्यम स्वामी किसी दबाव के तहत ये सब कर रहे हैं? क्योंकि आपने जिस ताजा ट्वीट का हवाला दिया है, ट्वीट के जरिए सरकार पर निशाना साधना, बीजेपी का नेता अगर अपनी सरकार पर सवाल खड़े कर रहा है तो निश्चित तौर पर एक गंभीर बात है और कहीं ना कहीं परेशानी पार्टी के लिए भी होती है ऐसी चीजों से। और ये परेशानी कम करने के बजाय बढ़ाते जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।